हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी कुकिंग शो। आज हम ब्रेड की रसमलाई बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि रसमलाई तो दूध से बनती है, ब्रेड से कैसे, पर हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बनती है और आप भी इस तरह से बनाना। कि हमने ब्रेड ली है तो ये देखिए, ये मेरे मसालेदानी का है छोटा सा, वो जिसमें नमक मिर्च डालते हैं उसके आकार का है ये छोटा सा। इसी से हमने ऐसे ब्रेड को छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। ये ब्रेड बेकार नहीं जाने देनी, इसका कुछ भी बन सकता है, हम रोल बना लेंगे बाद में। तो इस तरह से मैंने ये देखो काट के सारी रख ली है। इस ये हमारे लिए पिस्ता है इसमें भरने के लिए, और ये चीनी है। ये मैंने 1 लीटर दूध गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के डालने हैं। और ये 2 बड़े चम्मच चीनी डाल लूँगी। ये हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया इसमें, और आप इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हो, केसर भी डाल सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी दोनों चीज़ें, तो मैंने ये फूड कलर डाल दिया। अब इसको हिलाते रहना अच्छे से, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर डाला है तो नीचे ना चिपक जाए, इसलिए जब तक उबलना शुरू नहीं होता तो इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे। जब उबलना शुरू हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे हिलाना। अभी हम थोड़े से पिस्ता और बादाम कटे हुए डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, खुशबू के लिए हम ये थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। ये हमने कटोरी में दूध लिया है, ये हमारी ब्रेड है। हम रस मलाई के आकार से, आकार जैसा इसको बनाएंगे। ऐसे दूध साइड से कॉर्नर डिप करने हैं, फिर बीच में हमने ये पिस्ता रखना है, ऐसे अच्छे से भर देना है। अभी हम दूसरी ब्रेड को भी ऐसे कॉर्नर से करेंगे। अभी इसके ऊपर रख के ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे कि दूध निकल जाए इस तरह से। और ये जो कॉर्नर है इनको हल्के हल्के से दबाना है इस तरह से, ऐसे प्रेस करेंगे कि जो पिस्ता डाला है वो निकले ना, अच्छे से प्रेस हो जाता है ऐसे। मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ इस तरह से। अभी हम पिस्ता डाल देंगे इसमें और ब्रेड के पीस को फिर ऐसे गोल गोल करके, ऐसे करके फिर मैं ऐसे प्रेस करूँगी ऐसे, और अभी कॉर्नर प्रेस कर दूँगी कि पिस्ता निकले ना। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखो, ये हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। ये आप इस तरह से बनाना। ये अभी हमारी ठंडी हो गई है, अभी हम इसको इस पे पोर कर देंगे। अभी हम इस तरह से इस पे पोर कर देंगे ऐसे। और ये फ्रेंड्स बना के देखना, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। है तो ब्रेड की, पर आप मार्केट वाली खाना भूल जाओगे, इसी तरह से बनाना पसंद करोगे, बहुत ही यम्मी बनती है। इस तरह से बनाना। ये हम थोड़ा सा पिस्ता और गार्निश कर देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स, जैसे मार्केट में होती है। ये देखिए, अभी हम टेस्ट करके भी दिखाएंगे। इस तरह से देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। वाओ, वेरी यम्मी। आप भी फ्रेंड्स इस तरह से बनाना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी रेसिपी को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि कैसी बनी है। और इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई करें,
बहुत ही स्वादिष्ट बनती है रसमलाई इस तरह से। थैंक यू।